हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी आ रही है NPCIL की तरफ से। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इसमें बीटेक एनी ग्रेजुएट एलिजिबल है NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से। आप सभी लोगों के लिए न्यू रिक्रूटमेंट आउट हुआ है और इसमें गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं होने वाला है, अपना एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो चलो डिटेल में बताता हूँ, और पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, दोस्तों इसमें बीटेक की सारी ब्रांचेज एलिजिबल हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं वही एलिजिबल हैं, जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है वो एलिजिबल नहीं है। तो जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों यहीं लीव कर सकते हैं, क्योंकि ये आप सभी लोगों के लिए वीडियो नहीं है। और जो बीटेक में स्टूडेंट है जिनकी फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुकी है, जो पास आउट है, उनके लिए एलिजिबिलिटी है और वो इसमें पूरी वीडियो को कंटिन्यू करना। सब ब्रांचेस इसमें एलिजिबल है, बारी बारी से मैं सब बताऊंगा कि कौन सी ब्रांच में कौन सा एलिजिबल है, एज क्राइटेरिया बताने वाला हूं, सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका कैसा रिक्रूटमेंट निकला, ठीक है। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम सभी लोगों ने आप सभी लोगों के लिए डिसाइड किया कि प्राइवेट जॉब जो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी होंगी वो आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी, फ्रेशर्स के लिए और कुछ साल एक्सपीरियंस के लिए, या फिर मतलब ड्रॉपर्स के लिए भी, सब कुछ हम बताने वाले हैं इसमें। तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया टेलीग्राम की, तो उसे जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे हम अपडेट डालते रहेंगे प्राइवेट कंपनीज की, अगर इस पे नहीं डाल पाए तो, ठीक है। तो उसे जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना हर अपॉर्चुनिटी पाने के लिए। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही आप नीचे आओगे देखो ये अभी ऑफिशियल साइट है, जहाँ देख सकते हो NPCIL की ऑफिशियल साइट है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ में यानी कि कैरियर्स में आओगे आप तो दोस्तों यहाँ आपको मिल जाएगा तीसरे नंबर पर। देखो यहाँ पे, यहाँ आपको तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा ये, जैसे यहाँ देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट नर्स असिस्टेंट ग्रेड स्टेनो एट KGS साइट। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे जो जैसे यहाँ लिख रखा है ADVT एडवर्टीजमेंट, जैसे आप किसी इस पर क्लिक करोगे माय डियर फ्रेंड, तो आपको न्यू जो रिक्रूटमेंट का नोटिस है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना, और इस सब की लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मैं इसे डाउनलोड करता हूँ जब तक। तो दोस्तों ये है NPCIL का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इन्होंने सब मेंशन कर रखा है। देखो आपकी जो ओपनिंग हुई है वो 10/2 से हुई है, तो बहुत दिन पहले का है, हमने देखा नहीं अनफॉर्चुनेटली, तो ये बहुत पहले का आपका रिलीज़ हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 10/2, यानी कि 10 फरवरी से आपका ओपन हो चुका है, और जो लास्ट डेट होने वाली है वो 2 मार्च होने वाली है। तो ज़रूर से जाके फिल कर देना, अभी 3-4 दिन आपके बचे हुए हैं, 2 दिन तो बचे ही हुए हैं, तो जब तक जाके इसको फिल कर देना। देखो इसमें वैकेंसीज टोटल निकली हुई हैं आपकी 42 वैकेंसीज हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड ए इसमें आपकी 5 वैकेंसीज हैं, नर्स ए में इनको तो क्या ही देखना, असिस्टेंट ग्रेड ए में आपकी 13 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट ग्रेड 1 में भी ऐसे टोटल लाके 42 वैकेंसीज हैं। तो और मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ, असिस्टेंट जो साइंटिफिक असिस्टेंट सी है ग्रेड सी, उसमें देखो आपको लेवल 7 का ग्रेड पे मिलने वाला है, 44,000 का आपका ग्रेड पे होने वाला है, और आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें एज की वो 18 से 35 साल है इसमें, लेकिन आप सभी लोगों के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, तो इसको तो चलो छोड़ ही देते हैं। जैसे ही आप नीचे आओगे ये वाला आपको जो नीचे वाला देखने को मिलता है, इसमें असिस्टेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड 1 वाले में आपको 21 से लेकर 28 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, और जो सैलरी है वो आपको मिलने वाली है लेवल 4 की। लेवल 4 में आपकी अप्रॉक्स 37,000-40,000 आपकी सैलरी बन जाती है, ग्रोथ सैलरी, ठीक है। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ देख सकते हो, इसमें नीचे यहाँ साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड सी में, मतलब साइंटिफिक ग्रेड सी में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और BSc हो आपके पास तो भी एलिजिबल हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से कोई भी उस चैनल पे, हमारे चैनल पे ऐसा बंदा नहीं होगा जिसमें 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो इसको छोड़ते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं बीटेक वाले पे। देखो ये वाला जो है एनी ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, एनी बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसमें टाइपिंग भी मांगी है, लेकिन टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट बहुत कम है, तो इसमें कुछ आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो इसमें अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सब कुछ मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। देखो एज क्राइटेरिया वैसे 28 साल है, लेकिन रिस्पेक्टेड ब्रांच के हिसाब से अपनी 3 साल का, 8 साल का, ऐसे जैसे 3 साल का आपका OBC में, 5 साल का आपका SC & ST में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो रिटन टेस्ट होगा, जैसे आपने अगर असिस्टेंट विद होगे साइंटिफिक असिस्टेंट पे, तो आपको वहाँ पे इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा और एक आपका टेस्ट होगा। लेकिन जो आप, मैं ग्रेड सी वाला बता रहा हूँ, लेवल 4 वाली प्राइस पे, वहाँ पे एनी ग्रेजुएट जिसमें एलिजिबल है उसमें 2 टेस्ट होंगे आपके, एक प्रिलिमिनरी टेस्ट, एक होगा मेंस टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा जो फेज होने वाला है उसमें आपकी प्रोफिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि आपकी टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। देखो अब मैं स्टेज 1 में आपको बता देता हूँ क्या क्या आने वाला है।
यहाँ पे इन्होंने सब मेंशन कर रखा है, स्टेज वन में क्या आने वाला है, स्टेज टू में क्या आने वाला है। तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है, स्टेज वन में आपका देखो ये आपको आने वाली है जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में कंप्यूटर की नॉलेज आएगी, फिर इंग्लिश आएगी, और ये आपके क्वेश्चन होने वाले हैं आपके 25, 15, 10, टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि 1 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो टोटल इन्होंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, 50 MCQs आएंगे और एक घंटे का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। और सेकंड टेस्ट होगा फिर आपका एडवांस टेस्ट, उसमें 2 सब्जेक्ट आने वाले हैं आपके, यहाँ पे देख सकते हो आप, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, ठीक है, और ये 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। और आपके जो मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करने हैं अनडिजर्व्ड और EWS कैटेगरी को, वो 30% लाने, SC ST OBC को 20% मार्क्स मिनिमम लाने, ये कट ऑफ नहीं है माय डियर फ्रेंड, ओके। तो ये आप सभी लोगों का हो जाता है। फिर इन दोनों को टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद में आप थर्ड स्टेज में जाओगे, उसमें आपका प्रोफिएंसी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। वैसे एप्टीट्यूड का है तो आप सभी लोग भी भर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं हार्ड एंड फास्ट, तो फिर उसमें स्किल टेस्ट में आपको स्किल देनी होगी, और ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है आपका टाइपिंग का, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी। आप 1 महीने भी करोगे अपना एक्सपीरियंस तो 30 वर्ड पर मिनट का अच्छी तरीके से ले आओगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका, और इसमें पर्टिकुलर आपको मेंशन है देख लेना। और अप्लाई करने का मैंने जैसे बताया कि 10-2 यानी कि 10 फरवरी से लेके आपका 2 मार्च तक होने वाला है, तो थोड़ी डिले हो गया, तो थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा डिले हो गया, अभी लास्ट डेट आने वाली है, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड हो जरूर से फिल करना है इसमें, ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है, और इस साइट में इसमें यहाँ मेंशन भी कर रखा है कि यहाँ पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका, और ये सब कुछ पूरा आपका क्राइटेरिया हो जाता है। चलो फिर आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल चुकी होगी, अगर कोई और भी डाउट अगर आपको हो तो ज़रूर से पूछ लेना। और देखो आपके फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, लेकिन आपके जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जैक्ट परसेंटेज शुड भी अगर 50% होनी चाहिए SC ST कैंडिडेट के लिए, और जो OBC और जनरल और EWS के लिए 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, 59.99 भी नहीं चलेंगे, एग्जैक्ट 66 होनी चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने यह क्लियरली मेंशन कर रखा है। और अभी मैं और ये और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और मेंशन कर रखी है, अगर आप EWS कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो आपका जो EWS का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2021 के बाद का ही होना चाहिए अगर आप EWS कैटेगरी में हो, वरना आपको अनडिजर्व्ड कैंडिडेट की तरह काउंट किया जाएगा, तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम की लिंक पड़ी है वहाँ जाके पूछ सकते हो। और इंटरव्यू नहीं होने वाला है, जो आपका एनी ग्रेजुएट की जो वैकेंसीज हैं उसमें इंटरव्यू नहीं होने वाला है, लेकिन जो आपका साइंटिस्ट वाली पोजीशन है उसमें आपको इंटरव्यू जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्राइटेरिया हो जाता है। दोस्तों एक न्यू अपडेट आ रही है, मैं उसको आपको देने वाला हूँ, प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड L&T और टाटा की तरफ से आपके लिए इन्फॉर्मेशन आ रही है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और बीटेक के लिए मैकेनिकल वाले स्टूडेंट फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, ड्रॉपर भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू होने का उसमें सब मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए जहां भी रहो दोस्तों पढ़ाई करते रहो, हर वीडियो में बोलता हूं, इसमें भी बोल रहा हूं भाई पढ़ाई नहीं छोड़नी आपको, कैरियर अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सरकारी अब सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।